हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मीटर बोर्ड यानी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर बोर्ड में कितना वायर लगा हुआ है और कौन वायर किस चीज़ का है। इसमें दो कनेक्टर होता है और मैं उसमें से एक कनेक्टर के बारे में पूरा फुल डिटेल्स बताऊंगा, उसमें कितना वायर है, आप उसका वायरिंग कलर कोड समझ जाएंगे और कौन वायर किस काम के लिए है, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने मीटर बोर्ड को पहले ही खोल लिया हूँ। देखिए यहाँ पे ये इसका मीटर हो गया, ठीक है, BS4 गाड़ी है। और यहाँ पे देखिए इसका ये दो कनेक्टर है, दो कनेक्टर हो गया, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का। तो मैं अभी ये ब्लू कलर का जो कनेक्टर है इसको खोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, पिंक, ये इसका लॉक है, इसको बस ऐसे खींचने से निकल जाता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे रख देता हूँ और देखिए ये आ गया हाथ में। तो ये इसके अंदर बस कुछ नहीं है, ये एक कनेक्टर है। तो यहाँ पे ये कपलर में कुल 32 वायर का जगह दिया हुआ है, मतलब पिन नंबर 32 तक इसमें दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिन नंबर 1, देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, आप अगर गौर से देखिएगा तो दिखेगा, क्योंकि वाइट कलर है और वाइट पे देखिए यहाँ पे एक, ये जो बैगनी कलर का वायर है ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ये शायद आपको सही से दिखे। देखिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसी तरह 1 से 16 तक इधर है और इधर से यहाँ पे देखिए ये 17 पिन नंबर लिखा हुआ है और इधर 32। तो इसमें 32 वायर नहीं है, इसमें उतना वायर नहीं है, क्योंकि BS4 गाड़ी में अभी पूरा फुल दिया नहीं है, बहुत सारा सिस्टम इसमें नहीं दिया है जो BS6 में आने वाला है और आ गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ पिन जो है खाली दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम एक नंबर पिन से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बैगनी कलर का वायर है पिन नंबर 1 में, ठीक है, ये है फ्यूल टैंक यूनिट, यानी जो डीजल टैंक है, जो मीटर में जो बताता है कि डीजल टैंक का लेवल कितना है, मतलब डीजल टैंक में डीजल का लेवल कितना है, वही वायर है ये। तो और दूसरा नंबर पे जो वायर है ये पिन नंबर 2 में, ये है एयर प्रेशर स्विच का, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए इसमें ये ब्लू पे रेड कलर का वायर है और ये एयर प्रेशर स्विच का है। और तीसरा नंबर में देखिए ये है, ये यहाँ पे ग्रीन पे वाइट कलर का है, देखिए यहाँ पे अब वाइट आ गया, ग्रीन पे वाइट, ठीक है। ये है इसको, ये देखिए ये उधर का, इसको बाद में बताएंगे, सबसे पहले इधर वाला जो 16 पिन है उसको बता दे रहा हूँ। ये ग्रीन पे वाइट कलर का जो वायर है वो अल्टरनेटर का है, जो बैटरी लाइट जलता है ना मीटर में, वही है। और ये तीसरा नंबर, ये यहाँ देखिए ये तीसरा नहीं है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां नंबर पे ये है, ठीक है। आठवां नंबर पे ये है पिंक पे ब्लैक कलर का वायर है, देखिए ये पिंक पे ब्लैक कलर का वायर है। और ये है रेयर फॉग लाइट के, ये जो वायर है ये रेयर फॉग लाइट का वायर है। और उसके बाद यहाँ देखिए ये ग्रीन, ये ऑरेंज पे ग्रीन कलर का वायर है और ये है MIL लाइट, जो मैलफंक्शन इंडिकेटर लाइट होता है वो है। और उसका ये दो वायर होता है, ठीक है, एक एनोड होता है और एक कैथोड। MIL लाइट का दो वायर है, एक एनोड एक कैथोड, उसमें से एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें से एक एनोड है और एक कैथोड है, मतलब ये दोनों वायर MIL लाइट का है। यहाँ पे ये ऑरेंज पे जो ग्रीन है और एक प्लेन ग्रीन है, ये दोनों MIL लाइट का है। फिर उसके बाद से 1 2 3 जो क्लिप है वो नहीं है, इसमें कोई वायर नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे एक येलो पे ब्राउन कलर का वायर है, देखिए यहाँ पे ये है येलो पे ब्राउन, ठीक है। ये वायर है पार्किंग ब्रेक का, जो पार्किंग ब्रेक अगर आप ऑन करते हैं तो मीटर में P लिखा होता है, ठीक है, वही उसी का ये वायर है। ये वायर में जब ग्राउंड जाता है, अर्थ जाता है, तो वो लाइट ऑन हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर का वायर है, ये ग्रीन कलर का जो वायर था MIL लाइट वाला, ये थोड़ा मोटा है और ये थोड़ा पतला है। और ये है राइट साइड का इंडिकेटर का। तो इधर का हो गया, अब इधर आते हैं। यहाँ देखिए एक पिन छोड़ करके दूसरा पिन में एक ग्राउंड का वायर लगा हुआ है, ये तो ग्राउंड है, ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक और वायर है, ये जो वायर है ये है ब्लू पे काला कलर का, ठीक है, ये ब्लू पे काला कलर का वायर है। और ये है
जो ऑयल प्रेशर स्विच होता है उसका है, ये ऑयल प्रेशर स्विच का है। और यहाँ पे देखिए एक और खांदा जो है वो उसमें वायर नहीं है, उसके बाद वाला जो में है यहाँ पे ग्रीन पे काला कलर का वायर है। ये वायर है ये जो एयर फिल्टर होता है ना उसी का वायर है, एयर फिल्टर। आप एयर फिल्टर पे एक एयर फिल्टर इंडिकेटर होता है, जैसे एयर फिल्टर अगर जाम हो गया या वो उसमें ज़्यादा कचरा आ गया तो वो रेड हो जाता है, तो उसी का ये वायर है। वहाँ पे एक स्विच लगा है, अभी इस गाड़ी में तो नहीं है, BS4 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन BS6 में वो सिस्टम आ गया है। क्या होता है कि जब एयर फिल्टर आपका जाम हो जाएगा, जब लॉक हो जाएगा, तो ये इसमें ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है, वो जब रेड हो जाएगा तो इसमें ग्राउंड आ जाएगा और यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है मीटर में, वो ऑन हो जाएगा ये लाइट। और यहाँ पे 1 2 3 4 चार खांदा जो है वो उसमें वायर नहीं है। उसके बाद वाला देखिए ये पीला कलर का वायर है, एक पीला है उसके बाद ग्रीन है, और पीला और ग्रीन जो दो वायर है वहाँ पे आपको समझना होगा कि ये दोनों पीला और ग्रीन, पीला ग्रीन का एक अलग ही मतलब एक इसका अलग टॉपिक है, क्योंकि पीला और ग्रीन ऐसा बहुत कपलर है जिसमें ये वायर आता है। और ये है कैनवेस का वायर, ठीक है, ये कैन लाइन का है जिसमें ये हाई है और ये लो है। कैनवेस का वायर हर जगह गया है, वो आपका नॉक सेंसर में भी गया है, बहुत जगह कैनवेस का वायर बहुत जगह है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मीटर बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पे देखिए एक कपलर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे यहाँ देखिए इसमें भी एक पीला और ग्रीन कलर का वायर है, जहाँ ये देखिए रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे ऐसे दिखा, हाँ देखिए ये जो वायर है ना वो वही वायर है, ये जो मीटर में आया हुआ है वो सेम वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ओके, ये दोनों हो गया। उसके बाद से एक रेड कलर का वायर है, डायरेक्ट मतलब प्लेन रेड, ये रेड कलर का वायर में डायरेक्ट मेन होता है बैटरी का, देखिए ये डायरेक्ट बैटरी का मेन है। और उसके बाद वाला देखिए एक ऑरेंज पे ग्रीन है, ये इग्निशन स्विच का मेन है, मतलब चाबी ऑन करने के बाद से इसमें करंट आता है। और उसके बाद एक यहाँ पे वाइट वाइट नहीं है, ये ग्रे कलर का है, ग्रे पे रेड कलर का पट्टी है, और ये वायर है पार्किंग लाइट का, ठीक है। तो ये सारा वायर को आप समझ गए होंगे कि ये एक एक वायर का कि इसका क्या काम है और कौन वायर किसके लिए आया हुआ है यहाँ पे। तो ये कपलर के बारे में मैंने बता दिया, और इसके बाद मैं फिर कभी इसके ये जो कपलर है ना ग्रीन वाला इसके बारे में भी बता दूंगा, इसमें भी जितना वायर है बहुत इंटरेस्टेड है।